भाई मैं तुम्हें सही बता रहा हूँ, ये मेरी फर्स्ट गेम थी ये न्यू मोड में, और मेरा बहुत मन था, बहुत 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 ज्यादा मन था ऊपर वाले आइलैंड पे उतरने का। लेकिन भाई क्या ही बोलूँ, रैंडम खेलो तो ये नशे तो होने ही है। लेकिन यार कोई दिक्कत वाली बात है नहीं यार, ऊपर जाओ खाम खामे गोला बारूदी की आवाजें सुनो, क्योंकि किल विल तो मिलते नहीं है, तो एक तरह से ठीक भी ऊपर हम नहीं गए। बट तुम अभी के लिए ये देखो, यहाँ पे भी कूदी है एक स्क्वाड, और देखो भैया उस स्क्वाड से मैं अकेले निपटने वाला हूँ। और भाई साहब मेरे टीममेट को सामने की तरफ नॉक कर दिया गया है, और साथ ही साथ फिनिश भी। भाग ब्रो, ना डाल रहे यार, इकड़े ब्रो। अब भाई तुम यहाँ पे खुश बिल्कुल मत होना, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदे को मारा है, इस स्क्वाड के तीन बंदे अभी भी अलाइव है। और भाई साहब हमें उनकी पोजीशन का आइडिया अब तक बिल्कुल नहीं था, लेकिन लो भैया उनने भर दिया हमारे एक और टीममेट को, तो पोजीशन का तो आइडिया है। बट यहाँ तुम देखो हम बचे हैं दो जने, और यहाँ यार मैं ऑब्वियसली रैंडम खेल रहा हूँ, और ये जिनका टीममेट बचा है ना, ये अपने टीममेट की बातें सुनता है और चला जाता है उन बंदों को रिकॉल करने के लिए, और मैं फंस गया हूँ यहाँ पे अकेला। तो भैया अब देखो यहाँ पे मैं अकेला मैं उससे कैसे निपटने वाला हूँ, वो भी खतरनाक आईक्यू के साथ। Okay. One up to that. Enemies ahead. Okay. Hello. तो भाई इस पूरी स्क्वाड को अकेले निपटा दिया। अब तुम्हें ये क्लच कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और वो टिप्स एंड ट्रिक कैसी लगी वो भी बताना। अब फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सोच रहा था कि कब मेरे टीममेट रिकॉल होकर आएंगे, तब मैं आगे जो एक बंदा होता है बिल्डिंग में उस पर रश करूंगा। लेकिन भाई साहब यहाँ कुछ अलग ही हो जाता है। भाई साहब ये बंदा भी सही था, इनकी भाषा तो मेरे को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हाँ इतना तो जरूर समझ में आ रहा है कि भैया ये मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमें रिकॉल कर दो। तो अब जब इतने प्यार से बोल रहे हैं तो भैया जाना तो पड़ेगा ही। तो फिलहाल मैं चलाया यहाँ पे रिकॉल करने के लिए। लेकिन भाई साहब अब तो मेरी यहाँ पे किस्मत बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन बहुत ही गजब की रहने वाली है। बिकॉज यहाँ देखो मैंने अपने टीममेट को रिकॉल करा, और उसके बाद मैं गाड़ी उठाकर जैसे निकला ना यहाँ से, भाई जस्ट देखो यार कोचिंग की पहुंच नहीं पाया हूँ भाई साहब, इतने में पीछे आते हैं कुछ बंदे। अब एक पल को मुझे लगा कि कहीं ये बंदे हम पे तो फायर नहीं कर रहे थे, लेकिन भैया ऐसा बिल्कुल नहीं था, वहां आ गई थी दो दो स्क्वाड। जब इतनी खतरनाक जंग चल रही है तो दो चार गोलियां तो भैया अपना भी चलाना बनता है। तो भैया हमने भी गाड़ी उठाई और चल पड़े सीधा रश करने के लिए। अब देखो यहाँ कहीं ऊंच नीच ना हो जाए, चक्कर में अपनी एक टीममेट को साथ लेके आया हूँ। भाई दोनों स्क्वाडे खत्म।
मतलब हम देख रहे हैं थर्ड पार्टी करने में क्या ही जोरदार मजा आता है। पहले तो जो भी है गाइस अभी के लिए तो यहाँ पे देखो लगभग लगभग मैक्सिमम किल तो मैं ही उठा रहा था और आगे भी मैं ही उठाऊंगा। फिलहाल तो गाइस तुम यहाँ देखो हम चले आए इस वाले कंपाउंड में, बिकॉज यार यहाँ भी गाड़ी घोड़ी खड़ी थी, बट तुम यहाँ सस्ते नशे देखो, मतलब ये एक पेटी क्या दिख गई, मेरे टीम मेट चल पड़े उसे लूटने के लिए। भाई क्या भिख मंगे ऐसे हरकतें कर रहे हो यार, बैठो गाड़ी पे चलो निकलना है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। बट भाई तभी भाई कसम से यार कैंपिंग तो इसे कहते हैं, मतलब कोई भनक तक नहीं हुई कि यहाँ पे एक स्क्वाड बैठी है। भाई नए बोर्ड में मैं कुछ ज्यादा जोश में नहीं खेल रहा हूँ, मतलब सही है यार, एक स्क्वाड पीछे जस्ट खत्म करके सीधे यहाँ पे दोनों बंदों को निपटा दिया। फिलहाल तो गाइस हमें लग रहा था यहाँ पे और कोई भी हो सकता है, बिकॉज ये बंदे भी नॉकी हुए थे, बट ऐसा कुछ नहीं था यहाँ और कोई भी नहीं था, तो फिर से गड्डी गुड्डी को उठाया और चले आए। बट यहाँ देखो एक नई खतरनाक चीज आई है भैया, विजय भाई फर्स्ट टाइम भाई बाइसाइकिल, मतलब सारे व्हीकल थे सिर्फ ये नहीं थी। लो भाई साहब ये कसर भी इन्हें कर दी पूरी, और यहाँ देखो वहां नंबर वन ले भी जा रहा है उसे लेकर। अरे भाई उसकी स्पीड नहीं है यार, जल्दी बैठ सामने प्लेयर चलिए, वहां तक इसके सहारे तो तू नहीं पहुंचने वाला। बट भाई ये सुनने वाले में से नहीं है, ये छोड़ो इसे हम चलते आए की तरफ, बिकॉज सामने चलिए प्लेयर। भाई सब नंबर चार कितने प्यार से ऊपर गया, उसे लगा ऐसे एक किल तो मिल ही जाएगा, लेकिन भैया हमने उसे वो ही नहीं लेने दिया। तो गाइस ये वाले बंदे भी खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये वो बंदे नहीं है जिनके पास की हमें जाना था, मतलब कि वो क्लियर वाले बंदे हैं। अब यार वो क्लियर कहाँ गई मुझे नहीं पता, लेकिन यार मेरे टीममेट यहाँ क्यों जा रहे हैं। अच्छा ओके 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 ठीक है यार, मुझे एक खिल दिलाने के लिए यहाँ पे आए थे, ठीक है भाई ठीक है बहुत बढ़िया शानदार जबरदस्त चिन्ना बात। तो जो भी गाइस अभी के लिए भैया बढ़ते हैं जोन में आगे, और देखो भैया यहाँ जोन में हम जस्ट जा रहे होते हैं तो भी भाई भाई तुम इन बंदों की तेजी देख रहे हो, मतलब कितनी जल्दी वहां से यहाँ पर आ गए पैदल पैदल, खैर जो भी यार बट यहाँ से टिक तो नहीं पाए। अब यहाँ फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे मतलब एक ही किल मिला, वरना मैं हर बार एक से ज्यादा ही किल उठा रहा था। फिलहाल तो जो भी है गाइस अभी यहाँ पे इस वाले अपडेट में ड्रॉप भी काफी एक्सट्रा कर दिया है, और साथ ही साथ ये जो नए मतलब ऑफिस टाइप में स्टेशन टाइप में बनाए ना ये काफी सही से है, मतलब ये थोड़े अलग एरिया टाइप में बनाए हैं, लाइक जहाँ पे कुछ भी नहीं है और वहां पे बना दिए हैं। अब ये बिल्डिंग आई थिंक यार परमानेंट होती तो मजा आने वाला है, बिकॉज काफी सही है वो बिल्डिंग, बट फिलहाल उस सब को साइड में अभी के लिए तुम ये देखो बचे हैं चार बंदे, और यहां उनमें से एक बंदा मेरे को स्पॉट करता है।
Watch out. तो गाइस पहले हो चुका है प्यार से अपना विनर विनर चिकन डिनर। अब तो पहले गेम कैसा लगा जरूर बताना कमेंट करके, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। गाइस मुझे ये अपडेट ठीक लगा, आज काफी डिसेंट सा ही है, मतलब कुछ खास तो नहीं उतना लगा, लाइक सब कुछ मिक्स कर दिया है, जो पुराना पुराना था ना वो सब उठा के इसमें पटक दिया है और एक नया अपडेट का नाम दे दिया है। मतलब एशियन मोड से वो टेम्पल उठा लिया, और जो बर्फ वाला मोड आता था वहां से वो फिर से वो टेम्पल उठा लिया, और छोटे मोटे मॉडल्स टाइप में जरूर हैं जो नए लेके आए हैं। बाकी यार यहाँ पे एक गेम मैंने और खेला था ट्राई करने के लिए कि आखिर कैसा रहता है आईलैंड का हिसाब किताब, तो देखो भाई साहब। अब ये काफी सही चीज है, मतलब अगर कोई तुम्हारा बंदा नॉक टाइप में कर दे, मतलब जो हवा में लगता है उसे नॉक ही मान लो, तो उसे दया देने की जरूरत नहीं है, गोलियां मारो और रिवाइव पक्का हो जाएगा, ठीक है ना। फिलहाल तो तुम खुद देख लो, सब कुछ डिट्टो वैसा का वैसा ही है, कुछ भी अलग नहीं है। तो गाइस मैं तो इस वाले मोड को 5 में से भैया देना चाहूंगा 2 नंबर, बिकॉज सब कुछ ऊपर से उठाया हुआ है, नया तो कुछ भी नहीं है। हाँ थोड़े बॉक्सेस वगैरह और कलर क्वालिटी थोड़ी सी नई है, और तो कुछ भी नहीं है। और बाकी तुम्हें कैसा लगा ये मूड जरूर बताना कमेंट करके। बाकी अभी के लिए मैं चलता हूँ, मिलो कल फिर से। तो लव यू, स्टे सेफ गाइस एंड गाइस कीप सपोर्ट।